हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं आज सुबह का जो मौसम है वो काफ़ी बारिश वाला हो रहा है, और आज रात में भी काफ़ी बारिश हुई थी, पूरी रात काफ़ी बारिश हुई है और आज दिन में भी बहुत बारिश हुई है। तो काफ़ी बारिश वाला मौसम है, बहुत अभी भी हो रही है, और इसके बाद मुझे लगा कि सुबह सुबह मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए। तो आज मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, देखो आप लोग देख सकते हो बहुत तेज तेज ना बारिश हो रही है, बहुत ही ठंडा मौसम हो गया। अच्छा लग रहा है, मगर बहुत ज़्यादा ढक के रहो, सर्दी लग जाएगी सर्दी। मैं तो बिल्कुल अभी उठी हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर के मौसम। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश होने लगी है, बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी है। तो मुझे लगा कि ऐसे बारिश के मौसम में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा शेयर किया जाए जिसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिले। तो आज मैं आपके साथ में एक स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ, बहुत अच्छी स्किन केयर है। काफ़ी दिन से आप लोग मुझे उसके लिए बोल रहे थे कि मैम कोई एक अच्छी सी स्किन केयर शेयर कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्किन केयर जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ख़ासतौर से ब्राइडल को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आजकल ब्राइडल सीजन चल रहा है। तो इस टाइप के फेशियल जो है वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अरे आप लोग देखो कितनी आंधी तूफान आ रहा है बाहर, है ना, कितना आंधी तूफान आ रहा है ना, बहुत तेज बारिश पड़ रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे तो डर लग रहा है। सो जाओ सो जाओ, सब लोग सो जाओ सो जाओ, निकल लो। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इतनी बारिश हुई है कि मेरे पार्लर के बाहर और मेरे घर के बाहर कितना पानी भर गया है। और आप देख सकते हैं आजकल जो इतनी पाश कॉलोनी होती है, मतलब आशियाना एक बहुत अच्छी कॉलोनी है जिसमें हम लोग रहते हैं, और उसमें भी देखिए बारिश अगर हो तेज से तो ऐसी हालत हो जाती है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। तो चलिए हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में एक स्किन केयर शेयर करती हूँ मैं, बताइएगा ज़रूर कि वो स्किन केयर आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल थी कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक फेशियल जो है O3 का ब्राइडल फेशियल, काफ़ी अच्छा फेशियल होता है ये, और ये मेनली ब्राइडल के लिए है, बट हम और आप लोग भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ये मैंने किस तरीके से किया था मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग किस तरीके से इसको इजीली घर पर भी कर सकते हैं, और अगर आप पार्लर पे भी कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, बट आप घर पर किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये है O3+ की ब्राइडल फेशियल किट, काफी अच्छी फेशियल किट होती है, 10-स्टेप फेशियल किट है ये, इसके अंदर आपको 10 स्टेप मिलेंगे, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये किस तरीके से फॉलो करने हैं, और काफ़ी इजी है इसको करना, बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए इसका पहला स्टेप है, ये है विटामिन सी क्लींजर, काफ़ी अच्छा क्लींजर होता है, आप अपने फेस पर अगर इसको करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से क्लीन होगी, डीप क्लीन होगी, और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ये अंदर से क्लीन करके लेके आता है, और आपकी स्किन की जितनी भी डर्ट पोल्यूशन जो भी आपकी स्किन में है उसको बहुत अच्छे से निकालता है। तो ये हमें 5 मिनट करना है, उसके बाद में हमने फेस, अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड स्टेप, और ये है माइक्रोडर्मा ब्रोशन, काफ़ी अच्छा होता है, इसमें हल्की सी स्क्रबिंग है और काफ़ी अच्छा है ये, आपके फेस पे काफ़ी माइल्ड है, बहुत हल्की सी स्क्रबिंग है, जब आप इससे 2 से 3 मिनट इसकी मसाज करेंगे अपने फेस पर तो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मतलब काफ़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि फेस पे स्क्रबिंग हो रही है, बट बहुत अच्छा लग रहा था, और इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी थी, और हमें ये फेस पर अपने 2 से 3 मिनट करना होता है, और उसके बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे, और उसके बाद करेंगे हम थर्ड स्टेप। तो अब आप देख सकते हैं मैंने ये रिमूव कर दिया है, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड स्टेप, और ये है विटामिन सी टॉनिक, काफ़ी अच्छा टॉनिक है ये भी, फेस पर इसको हम लोगों को अपने फेस पर लगाना है, ये हल्की सी मसाज करनी है 1-2 मिनट, और उसके बाद में हम लोगों को इसको ऐसे छोड़ देना है अपने फेस पर, और देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये भी, काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन को हाइड्रेट कर रहा था, और काफ़ी अच्छा ग्लो आता है इससे, ब्राइडल के लिए बहुत बेस्ट हैं ये सारी चीज़ें, और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिलैक्स करता है। तो आप इसकी 2-3 मिनट मसाज करिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, और अब जो इसका स्टेप स्टार्ट होगा वो है 4th स्टेप, और वो है विटामिन सी मसाज क्रीम, काफ़ी अच्छी मसाज क्रीम है ये, काफ़ी माइल्ड थी,
फेस पर जब मैंने ये यूज़ की तो मुझे इसको यूज़ करना काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि फेस पर जाने के बाद ये तुरंत फेस के अंदर पेरिटेट हो गई, मतलब हमारी स्किन के अंदर ना पेरिटेट हो गई बहुत अच्छे से, और उसके बाद में ये एक ऑयल में कन्वर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जब मैं इसकी मसाज कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पानी वगैरह इस पूरी किट में मैंने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, और ये सारे स्टेप मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और ये हमारी स्किन के अंदर चली गई थी बिल्कुल बिल्कुल भी, इसको ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब बाहर बाहर है। बहुत अच्छे से इसने मेरी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज कर दिया, और बहुत अच्छे से मुझे अपनी स्किन पर ग्लो नज़र आ रहा था। और ये मैंने 10 मिनट मैंने इसकी मसाज की, और अब फिर उसके बाद में इसका है फिफ्थ स्टेप यूज़ किया मैंने, वो है वाइटनिंग मास्क। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये मास्क, और आप लोग देख सकते हैं इसका जो वाइटनिंग मास्क है उसको आपको अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई करना है। 5 से 10 मिनट इसको अपने फेस पर रोकना है, 10 से 15 मिनट भी रोक सकते हैं आप लोग इसे, और जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए तब आप इसके बाद में इसको रिमूव कर दीजिए। मैंने ये वेट टॉवल से रिमूव किया था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसको रिमूव करना। और अब जो हम इसका 6 और 7 स्टेप यूज़ कर रहे हैं वो है फेशियल पाउडर मास्क और 20-30 जेल एंड पाउडर। इसको हमने मिक्स किया, बहुत अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद में मैंने ये अपने फेस पर अप्लाई किया एक स्पैचुला की हेल्प से। ये एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ लगी मुझे अपने फेस पर, मेरे फेस पर जाने के बाद ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट दे रहा था। इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगी थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ब्राइडल के लिए ये वैसे भी बहुत बेस्ट होता है, मैं आप लोगों को बता दूं O3+ के जितने भी फेशियल होते हैं ब्राइडल के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, और ये जो फेशियल है ये तो बना ही ब्राइडल के लिए है, और इससे आपकी स्किन पर बहुत अच्छा एक ग्लो आता है। तो आप इसको अपने लिप्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, आइज़ के ऊपर भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप पूरे फेस पर लगा सकते हैं बहुत अच्छे से, और इसकी एप्लीकेशन करके आप 10 मिनट ये छोड़ देना है जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गया था, उसके बाद में मैंने इसको रिमूव किया। इसको रिमूव करना बहुत ही इजी था क्योंकि ये बिल्कुल रबड़ टाइप के तरह उतर रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने फेस पे से कोई रबड़ टाइप का कुछ उतार रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये इसको यूज़ करना, और मेरी स्किन बहुत ही ग्लोइंग हो गई थी इसको यूज़ करने के बाद। और अब जो हम इसके बाद यूज़ करेंगे वो है 8 स्टेप, और ये है एक विटामिन सी ग्लो फेस सीरम शीट मास्क है ये एक, और इसके अंदर इतना ज़्यादा सीरम था कि ये लगाने के बाद आपके फेस पर बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये यूज़ करना। शीट मास्क वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और हमें क्योंकि शीट मास्क के अंदर हम लोगों को सीरम मिलता है काफ़ी अच्छी सी क्वांटिटी में, और वो मैंने नेक वगैरह पर भी लगाया, और इस शीट मास्क को हमें 10 से 15 मिनट लगाना होता है फेस पर, उसके बाद हम लोग इसको हटा देते हैं और ये ड्राई नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सीरम होता है। तो ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, बहुत अच्छे से डीप क्लीन करता है, डीप मॉइस्चराइज करता है, और शीट मास्क वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं तो हम लोगों को बिल्कुल यूज़ करने चाहिए। अब इसके बाद में इसका आएगा 9 स्टेप जो है इसका, वो है एक विटामिन सी सीरम। इसकी हमें हल्की सी मसाज देनी है, इसको हमें अपने फेस पर 2 या 3 मिनट हमें इसकी मसाज करनी है अपने फेस पर, और ये बहुत अच्छे से हमारी स्किन के अंदर पेरिटेट हो जाता है। और इसके बाद जो इसका लास्ट स्टेप है पूरी किट का वो है वाइटनिंग क्रीम SPF 30। इसके साथ में हमें हल्की सी लगानी है हमें अपने फेस पर और मसाज करनी है, और ये हमारी स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग की साइड लेकर जाती है। काफ़ी अच्छा फेशियल था, ब्राइडल के लिए बहुत ही अच्छा फेशियल है, एक बार यूज़ करके देखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आ गई हूँ अभी नहाकर, और मैंने अभी जो फेशियल किया था O3 का ब्राइडल फेशियल, आप उसका रिजल्ट देख सकते हो कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारी सी स्किन हो गई। और उसके बाद में अब मैं अपने फेस पर, क्योंकि मैंने धुल लिया है फेस अपना, मतलब नहाकर आई हूँ, तो मैं लगा रही हूँ प्लम का फेस मिस्ट। ये भी बहुत अच्छा होता है, आपको ये अपनी ना स्किन केयर में डेफिनेटली रखना चाहिए, या तो कोई टोनर या फिर फेस मिस्ट। तो मुझे प्लम का जो फेस मिस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको नहाने के बाद जरूर लगाती हूँ अपने फेस पर। और उसके बाद लगाऊंगी मैं ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का, ये है ओरेगन ऑयल नाइट सीरम है, ये काफी अच्छा सीरम होता है, ये आपकी स्किन को रेडिएंट कर देता है, बहुत अच्छा सीरम है, और ये नाइट सीरम है। तो अभी लगभग ऐसे होंगे 3-4 बज रहे होंगे, तो इसको आप रात को सोते टाइम भी लगा सकते हैं, और इसको आप अपने नहाने के बाद भी 2-3 ड्रॉप इसकी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्किन केयर में आता है। मैं आप लोगों को बता दूं मैं ऐसी चीजें बहुत यूज करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये सीरम, सर्दियां हो रही हैं तो सर्दियों में हम इस सीरम को ऐसा नहीं है ओनली फॉर नाइट में ही लगाएंगे, ये दिन में भी हम लोग लगा सकते हैं बहुत आराम से। तो अभी मैं इसकी
अभी मैं इसकी मैंने तीन चार ड्रॉप जो है वो अपने फेस पर देखिए इस तरीके से मैं लगा लूंगी। और इसको आप रात को लगाकर सोइए अपनी नाइट की स्किन केयर करने के बाद, तो ये आपकी स्किन पे ना बहुत अच्छा सा एक ग्लो ला देता है। और सर्दियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसकी वजह से और मैं आपको बता दूं ये इतना लाइट वेट है कि ये आपकी स्किन में ना तुरंत पेनिट्रेट हो जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ओवर कुछ या ऑयलिंग वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ये सीरम है और सर्दियों में हमें ये जरूर यूज करने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्किन ना बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। और ये नाइट सीरम है, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर इसको नाइट में ही आप लगाएं। मैं तो क्योंकि मेरा वर्किंग नहीं है, मतलब बाहर का काम नहीं है धूल मिट्टी वाला, तो मैं जो हूँ इसको दिन में भी लगा लेती हूँ, नहाने के बाद 2-3 ड्रॉप लगा ली। और रात को जो अपनी स्किन केयर करती हूँ मैं, फेस वॉश वगैरह जो भी मुझे करना होता है वो स्किन केयर करती हूँ, तो उसके बाद भी मैं इसको लगा लेती हूँ रात में भी। तो ये मेरी स्किन को ना बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, काफी अच्छी। देखिए एक भी ना कोई भी फाइन लाइन रिंकल्स इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हमारे नहीं आएगी, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह की पिगमेंटेशन वाली जो प्रॉब्लम हमारी स्किन पे आ जाती है वो नहीं आएगी। तो ये काफी अच्छा सीरम होता है। और देखिए मैंने लगा लिया और ये तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, देखिए बिल्कुल हाथों पे भी नहीं आ रहा है, तुरंत एब्जॉर्ब हो गया। तो ये मैं करती हूँ उसके बाद, फेशियल के बाद मैंने ये किया क्योंकि मैं अपना नहा के आई थी अभी। और अब मैं यूज करूंगी लिप्स के लिए। लिप्स हमें कभी नहीं भूलने चाहिए, अगर हम कोई भी फेशियल कर रहे हैं तो हमें लिप्स की केयर जरूर करनी है। तो मैंने लिया है निविया का लिप क्रियोन, ये है निविया का लिप क्रियोन और बहुत अच्छा होता है ये, और काफी मॉइस्चराइज कर देता है आपकी लिप्स को ना। और ये बिल्कुल इस तरीके से ही काम आता है जैसे कि हम लिप बाम लगाते हैं, बट इसमें हल्का सा कलर है, तो लेडीज लोगों के लिए बेस्ट है दिन में यूज करने के लिए। आप डेली में इस तरीके से लगा के रह सकते हैं, इसमें बहुत सारे कलर शेड अवेलेबल है और निविया का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप पहले भी मेरी वीडियो में देखते होंगे। तो ये जो है मेरी फेशियल की जो रूटीन थी, स्किन केयर रूटीन भी इसमें मैंने थोड़ी सी शामिल कर दी अपनी। तो ये आप लोगों को कैसा लगा ये फेशियल मुझे बताइएगा जरूर, और ये जो मेरी स्किन केयर है ये आप लोगों को कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। सभी प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा और जो भी पसंद आए, जैसे कि ये लिप क्रियोन बहुत अच्छे हैं, मैं हाईली रेकमेंड करूंगी जो मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ उनको, जो मैं यूज नहीं करती हूँ मैं उन चीजों को आप लोगों के सामने लेकर नहीं आती हूँ। तो मुझे ये सीरम भी बहुत अच्छा लगता है और ये फेशियल की जो किट है ये तो मेरे पार्लर में बहुत सालों से यूज हो रही है, तो मुझे लगा कि काफी दिन से ये चीज आ रही थी कि ब्राइडल के लिए भी कुछ बता दीजिए। तो मैंने ये स्किन केयर आपने ऊपर करके दिखाई है आप लोगों को और मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में ये सारा कुछ शेयर करना। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।